कांग्रेस नेता एवं पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन ने भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले पर कार्रवाई करने की मांग की है। शेख हुसैन ने कुछ दिन पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। इस वक्तव्य के बाद हुसैन ने खुलासा भी किया कि उन्होंने मुहावरा बोला था, मगर गिट्टीकदान थाने में उन पर मामला दर्ज किया गया। इससे हुसैन को जमानत भी मिली, मगर भाजपा की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग पुलिस आयुक्त से की गई। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले की अगुवाई में आयुक्त को निवेदन भी दिया गया। इसके बाद पुलिस भवन से ही बावनकुले की ओर से पत्र परिषद ली गई। इसका असर भी दिखाई दिया और इस पत्र परिषद का विरोध भी हुआ। लेकिन अब हुसैन ने भी इस मामले में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बावनकुले की भी ईडी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज वहाँ पे कई एकड़ जमीन एनआईटी की भू माफिया के थ्रू वहाँ की जनता ने बोला कि आमदार साहब का इसके अंदर में पूरा हाथ है, वो बेच दी गई। बाद में एनआईटी के लोग वहाँ पर बुलडोजर लेके तोड़ने ओढ़ने के लिए गए और वहाँ पर इतनी जमीन की खरीदी बिक्री हुई है उसकी इनके खिलाफ में ईडी की जांच होना चाहिए। आज वो आमदार बने, कारपोरेटर से आमदार बने, थर्ड टाइम हो गई है, उनकी आज क्या क्या प्रॉपर्टी है, आय से कितनी ज़्यादा संपत्ति है, उनकी ईडी की जांच होना चाहिए। अभी ईडी तो ऐसा हो गया कि ऐसा लगा कि छोटा सा कोई पुलिस स्टेशन का ऑफिस है, किसी की भी ईडी की, अरे ईडी की जांच किसकी होती है? जिसके यहाँ आय से ज़्यादा संपत्ति हो उसके ऊपर में ईडी की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।